अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक और नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। आज हम इन्हों के बारे में बात करेंगे। इनका नाम है डॉक्टर अब्दुल मुनीर खान। जी हाँ, इनका नाम है डॉक्टर मुनीर खान। आज हम इन्हीं के मौजू में बात करेंगे तफसील से। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। डॉक्टर मुनीर खान 1926 में कसूर पैदा हुए और फिर 1937 में कसूर से लाहौर तशरीफ़ ले आए। आपने इब्तदाई तलीम सेंटर मॉडल स्कूल ऑफ लाहौर से हासिल की। बाद में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से ग्रेजुएशन करने के बाद 1949 में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिक पावर के मौजू पर ग्रेजुएशन की। फिर 1951 में अमेरिका के एक कॉलेज से एमएससी की डिग्री हासिल की। हाँ जी, इन्होंने 1951 में अमेरिका के एक कॉलेज से एमएससी की डिग्री हासिल की और फिर 1957 में डियाना में इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी में मुलाजमत इख्तियार की और 1971 तक वहीं रहे। 20 जनवरी 1972 में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की चेयरमैन मुकर्रर हुए और 1990 में कमीशन की जिम्मेदारियों से सिकबदरोश हुए। उनकी सरबराही में ज़र्री तहकीक एटॉमिक एनर्जी और मेडिसिन के शोबों में नुमाया तरक्की हुई। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि हमारी आने वाली और वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।